हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश कुमार देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ सुपर हीट टेम्परेचर कंट्रोल। क्यों ज़रूरत है इसकी? एज इन पावर प्लांट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टीम गेट ओवर हीटेड और सुपर हीटेड फॉर before entering through the turbine. So as more superheated steam may cause in leakage in piping tubes and also harm to the turbine, so we have to control the temperature of the superheater. For proper and efficient operation of power plant, it is essential to control the temperature of steam according to the load. As per the load requirement, we have to control the steam temperature. Okay, the reduction is about 20 degrees centigrade, not more than that. So it causes the 1% heat rate. What the heat rate is? Work output into 3600 into upon efficiency is the kilojoule per kilowatt hour. Okay. Various method of temperature control are temperature control करने के लिए बहुत सारे method हम लोग use करते हैं super heater पे। तो पहला क्या है? Control of gas circulation by dampers. तो the mass flow rate of gas circulated is reduced to connect superheat using damper to reduce temperature of the steam. जो mass flow rate है flue gases का, उसको damper लगा control कर लेते हैं ताकि वो superheater में कम जाए और उसे कम गर्म करे। ये एक control method, ठीक है। Combines connective radiant superheater in series. Radiant superheater जो है उनको series में लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको control कर सकते हैं series में लगाने से, ठीक है। Desuperheating और attemperation. टेम्परेचर और डी सुपर हीटिंग होता क्या है? रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज कॉल्ड अटेम्परेशन। अटेम्परेशन मतलब कि सुपर हीटेड स्टीम जो है उसको ठंडा करना। वो कैसे करते हैं? या तो इंजेक्टिंग वाटर इंजेक्ट कर देते हैं, या सेक्शन सुपर हीटर में जाने से पहले या सुपर हीटर में ही वाटर इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो अटेम्परेशन होता है। गर्म स्टीम पर हल्का सा पानी डाल देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको बोलते हैं अटेम्परेशन। ओके, सेपरेटली फिक्स्ड सुपर हीटर फायर्ड सुपर हीटर। और क्या करें कि फायर हीटर जो सुपर हीटर है उसको अलग से लगाया जाए, बॉयलर में ही नहीं यूज़ किया जाए। बॉयलर में जो फ्लू गैसेस है उसी से ना उसको लगा के अलग से उसके लिए सुपर हीटर अलग से लगाया जाए। इससे क्या हो सकता है? कॉस्ट पड़ सकता है बस ये लगाने से, सेपरेट करने से, ठीक है। क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा, अलग से फ्यूल लेना पड़ेगा और एयर भी भेजना पड़ेगा और अलग से एक अरेंजमेंट देना पड़ेगा, ठीक। तो ये बहुत कम रेयर केस में यूज़ करते हैं जब छोटा प्लांट होगा वहाँ। फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल, मिक्सिंग ऑफ लोअर टेम्परेचर ऑफ गैसेस फ्रॉम इकोनोमाइजर, ठीक है। लोअर टेम्परेचर ऑफ गैस को इकोनोमाइजर में भेजते हैं जिससे पानी कम गर्म होगा और उससे क्या होगा कि जो हमारा फर्नेस है उसका हीट ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और जो हमारा सुपर हीटर है वहाँ पर भी सुपर हीटर रीहीटर में ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा उसको गर्म करने के लिए, ठीक है। एक्सेस एयर, द एडमिशन ऑफ एक्सेस एयर, ज़्यादा एयर भेजेंगे तो क्या होगा कि कम्बशन का रेट कम हो जाएगा और फर्नेस का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इससे भी हम रीहीट सुपर हीट को कम कर सकते हैं टेम्परेचर को। टिल्टिंग बर्नर, बंटन को टिल्ट कर दें सीधा, ना डायरेक्ट फ्लेम ना देके तिरछा फ्लेम दे, तो उससे क्या होगी फर्नेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। टर्निंग द बर्नर, या फिर एक और पॉइंट कर सकते हैं टर्निंग द बर्नर, डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ प्लांट बर्नर को टर्न कर दें, तो उससे क्या होगी जो पहले डायरेक्ट फ्लेम दे रहा था वो तिरछा फ्लेम देगा, उससे जो फायरबॉल है वो कम टेम्परेचर का बनेगा और जो फ्लू गैसेस हैं वो भी कम टेम्परेचर के रहेंगे, ठीक है। इसमें अपर और लोअर बर्नर यूज़ कर सकते हैं, इसका एक तरीका ये भी है। अपर और लोअर बर्नर, पहले जब ज़्यादा टेम्परेचर लोड चाहिए तो अपर बर्नर को यूज़ कर रहे हैं और कम टेम्परेचर चाहिए तो लोअर बर्नर को यूज़ कर लिए और अपर बर्नर को थोड़ा सा कम कर दिए। जब अपर बर्नर चलता है तो लोअर बर्नर भी चलते रहता है, उसको भी कम टेम्परेचर पर चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सडनली ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये तरीके थे जिससे हम अपना स्टीम का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है सुपर हीटर का। ओके, थैंक यू।